मतलब विविध प्रश्नावली हमें ले रखा है घन का संपूर्ण क्षेत्रफल ले रखा है हमें ज्ञात करनी है भुजा ज्ञात करनी है बताओ सूत्र क्या है क्षेत्रफल ज्ञात करने का संपूर्ण क्षेत्रफल है घन का ये हो जाएगा एक दो तीन चार पांच टोटल छह घन छह क्या आएगा ये देने का है 486 ये गुणा है तो भुजा स्क्वायर बराबर रहेगा 486 बटा 6 ये भाग है 8 बार और इसको भाग है 1 बार 6 × 6 = 48 स्क्वायर हट गया क्या लग गया स्क्वायर रूट और कितना आ गया 81 वर्ष होता है आपके 9 अच्छा लंबाई थोड़ा ऊंचाई दे रही है हमें ज्ञात करना है पक्ष क्षेत्रफल कुछ भी दिया हुआ नहीं है तो आपको ऐसा मानना है कि संपूर्ण ज्ञात करना है ना तो वक्र का तो दिया हुआ नहीं है चौ दीवार का दिया हुआ नहीं है क्या मानना है संपूर्ण मान लो हमें ज्ञात करना है संपूर्ण कोष्ठक लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई दो का दो लंबाई 9 चौड़ाई 2 चौड़ाई 2 ऊंचाई 1 ऊंचाई 1 लंबाई 9 ये 2 एक ना हो गया 18 2 9 दूनी 18 18 36 36 जोड़ा कितना होता है 72 अगर नहीं आ रहा है उत्तर इसका मतलब वो क्या है आपके चार दीवारों का देने का दोनों में से कोई एक दिया हुआ है जो दिया वो ज्ञात करना चलो दीवार का होता ये लगा दे दो कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ये लगाते अगर चारों दीवार का होता दो का दो लंबाई कितनी है लंबाई दे रखी है 9 चौड़ाई दे रखी है 2 ऊंचाई दे रखी है ऐसे हमेशा सवाल के अंदर लिखा हुआ आता है कि चारों दीवारों का है या फिर संपूर्ण है नहीं दिया हुआ तो सवाल में गलती है कहीं नहीं तो 9 और 2 कितना हो गया 9 और 2 11 तुम जोड़ रहे थे 9 और 2 11 29 58 अब इससे क्या कर लो 9 और 2 11 11 दुना 22 सेंटीमीटर ये है आपके सब ये तो है चारों दीवारों का और ये है आपके संपूर्ण जो दिया हुआ उसके हिसाब से स्वाग मिसप्रिंट छपा हुआ है या तो आना चाहिए चारों दीवार का या आना चाहिए संपूर्ण कभी ऐसे नहीं ये केवल बोले में पूछ सकते हैं बोले में आता है क्या पूछ सकते अब ये बात बोले का व्यास दे रखा है बताओ त्रिज्या कितनी हो गई 6/2 = 3 हमें ज्ञात करना है गोले का आयतन सूत्र क्या ज्ञात करने 4/3 πr³ 4/3 पाई का मान 22/4 त्रिज्या हो गई है 3 × 3 × 3 जो उत्तर आया वो यहाँ पर लिखा है तो कितना हो गया तो 3 × 4 × 22 × 3 = 9/7 ये होता है आपके 113.14 या बाद में गुणा कर जो भी है ये उत्तर है अब ये वाला देखो त्रिज्या दे रखी है ऊंचाई दे रही किसकी दे रखी है बेलन की और हमें ज्ञात करना है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है आपके ये वाला भाग तो 2πr × h क्या जाएगा 2πr h हर सूत्र आपको याद होने चाहिए सब एक सारे बोले संकु सब साथ में आ रहा है तो 2 × 2 π/2 = 7 त्रिज्या सेंटीमीटर ऊंचाई 10 ये भाग गया 2 भाग 2 × 4 4 × 22 = 88 × 10 80 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास दे रखा है शंकु का आयतन और हमें ज्ञात और त्रिज्या ऊंचाई दे रखी है हमें ज्ञात करनी है त्रिज्या तो क्या ज्ञात ज्ञात करेगा ले ले लो उत्तर है 1/3 πr² ये दे रखा है आपके 308 ये है शंकु का आयतन कितना होता है बेलन के आयतन का होता है 1/3 1/3 पाई का मान त्रिज्या करनी है ज्ञात ऊंचाई दे रखी है 6 बड़ा
बराबर 300 बार। अब ये भाग आता है इसमें आपके दो बार, क्या जाएगा 44/7 आर स्क्वायर बराबर 300। उधर भाग में उधर भेज दो, आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 300 बटा 44। ये भाग आता है इसमें आपके 7 बार, यहाँ तो आर दो बार है, आपके साथ हमारे पास देर का अर्ध गोले का व्यास, इस पर करनी है पॉलिश, अंदर ही करनी है पॉलिश। तो देखो ध्यान देना, कोई बर्तन होता है तो बर्तन के अंदर पॉलिश की जाती है। तो देखो अर्ध गोले का व्यास देर का है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 42/2 बराबर हो जाएगा 21। हमें पहले ज्ञात करना है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अंदर के भाग पर ही पॉलिश करनी है एक जगह। तो देखो पॉलिश इसके लिए हमें ज्ञात करना पड़ेगा, देखो संपूर्ण क्षेत्रफल क्या है, संपूर्ण कितना अर्ध गोले, संपूर्ण कितना होता है बताओ, ऐसे चारों ओर भी होता है ऊपर भी होता है सवाल के अंदर, अब फुल फायर में पूरा से लिखा हुआ नहीं ढंग से, अब क्या पता संपूर्ण है, संपूर्ण देगा संपूर्ण ले लो। एक पूरा गोला कितना होता है 4 वर्ग के बराबर, तो आधा वर्ग कितना होता है 2 वर्ग के बराबर, उसके अंदर देखो 2 तो गोल भाग है और 1 सीधा भाग चलता भाग, तो 2 गोला संपूर्ण कितना हो गया 3। अर्ध गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण सूत्र क्या याद रहने का, ये होता है 3 वर्गों के बराबर, पूरा गोला 4 वर्ग के बराबर, आधे गोले में 2 भाग होते हैं, वक्र भाग क्या होता है 2πr², संपूर्ण होता है आपके 3πr², तो 3 का 3 π का मान त्रिज्या हो जाएगी 21 × 21, ये भाग गया 3 बार, ये हो गया 66, वो हो गया 63, 66 × 63 ये हो गया 4158 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये अर्ध गोला है, तो यहाँ भी गलत करना है और बाहर भी गलत करना है दोनों गलत। अब हमें क्या खर्चा ज्ञात करना है, कितना देर का 20 पैसा, कितने सेंटीमीटर का 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर खर्चा देर का है आपके 20 पैसा, पैसा तो बचना रुपए में, तो 100 का क्या लगा दो 12। अब मुझे ज्ञात करना है 4158 का ज्ञात करना है, 20/100 × 4158, 20/100 × हो जाएगा 4158, ये हो जाएगा 831 रुपये और 60 साल से पूरी जानकारी दी नहीं ढंग से कि अंदर पॉलिश करनी है बाहर करनी, संपूर्ण लिख दिया संपूर्ण सूत्र ही होता है, एक है शंकु, एक है अर्ध गोला और एक है बेल गोला, दे अर्ध गोला है एक बेलन, 3 चीजें दे रही है हमें, तीनों के आयतन का अनुपात ज्ञात करना, सबकी त्रिज्या और सबके जो है क्या नाम है ऊंचाई एक समान, आधार एक समान है, जो आधार मतलब घेरा एक है आपके अर्ध गोला और एक दे रखा है आपके बेलन, आधार मतलब ये वाला भाग, ये वाला पूरा, ये क्या व्यास, यहां भी क्या है व्यास, यहां भी क्या व्यास, तो व्यास बराबर तो त्रिज्या भी बराबर, आधार समान, आधार अगर बराबर हो तो त्रिज्या भी क्या होती है बराबर, और ऊंचाई तो ऑलरेडी बराबर दे रखी है, सबकी ऊंचाई बराबर दे रखी है, हमें ज्ञात करना है तीनों के आयतन में अनुपात, क्या क्या करना है हमें तीनों के आयतन में अनुपात, बताओ बेलन का आयतन का सूत्र क्या है, अभी फैसला शंकु है सूत्र क्या है 1/3 2/3 π r³ और यह आ जाएगा आपके π r² x, और पता ही है त्रिज्या और ऊंचाई दोनों बराबर ही दे रखे, तो क्या हो जाएंगे देखो, या आपके 1/3 तो है ये पाई आर स्क्वायर और ये एक आर और आगे, त्रिज्या ऊंचाई से बराबर है, जितना आधार तो ऊंचाई बराबर दे रखा है, फिर यहाँ पर कितना रहेगा 2/3 पाई आर क्यूब और यहाँ पे आ जाएगा आपके आर स्क्वायर और ऊंचाई आपके त्रिज्या के बराबर ही जाएगी, तो देखो यहाँ भी आर 3 बार, यहाँ भी आर 3 बार और यहाँ भी आर 3 बार, यहाँ भी पाई, यहाँ भी पाई और यहाँ भी पाई, कितना आया 2/3 और 1। अब देखो भाग में 3 आ रहा है,
क्या करेंगे, सबको कर देंगे तीन से गुणा। हम करेंगे तीन से गुणा, यहाँ गुणा करना है तीन से, यहाँ भी करना है और यहाँ भी गुणा करना है। ये तो कट गया, उधर क्या आया, यहाँ भी कट गया, यहाँ कितना अनुपात रहेगा, एक अनुपात दो अनुपात तीन।